जिस्म पर खाकी हो तो अच्छे अच्छे बदमाशों की पतलून गीली हो जाती है। लेकिन अमेठी एक ऐसा जिला है जहां क्या पुलिस क्या डॉक्टर सभी मौका पड़ने पर दबंगों के हाथों का शिकार हो जाते हैं। ताजा मामला एक बार फिर अमेठी जिले के गलियारों से निकल कर आ रहा है, जहां ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को एक दबंग ने पीट दिया, जिससे पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गया। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टेलीविजन। अस्पताल के स्ट्रेचर पर इस सिपाही को देखिए। ये तस्वीरें धुंधली जरूर हैं, लेकिन इस सिपाही के साथ की हुई हैवानियत को बयां करने के लिए काफी है। यह मामला अमेठी जिले के जगदीशपुर कोतवाली इलाके के पूरे सिनेत मजरे पछूती गांव का है, जहां रहने वाले रोहित का उसके परिवार से विवाद हो गया। किसी ने इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी, लिहाजा 112 PRB 2786 पर तैनात दिग्विजय सिंह मौके पर पहुंच गए और मौके से झगड़ा कर रहे रोहित और उसके पिता को गिरफ्तार कर, जिसके बाद दोनों बाप बेटे खुद को पुलिस से छुड़ाकर भागने लगे। पुलिस ने भी तत्परता दिखाई और दोनों को रपटा लिया, लेकिन दोनों बाप बेटे कुछ ज्यादा ही धाकड़ थे। जी हाँ, आरोपी रोहित ने ईंट पत्थर से पुलिस पर ही हमला कर दिया। इस हमले में डायल 112 पर तैनात सिपाही दिग्विजय सिंह बुरी तरह घायल हो गए। आनन फानन में दिग्विजय सिंह को जगदीशपुर के CSC में भर्ती कराया गया, जहाँ उन्हें कई टाके लगाकर सिर से बह रहे खून को रोका गया। वहीं इलाकाई लोगों का कहना है कि पुलिस पर हमला करने वाला रोहित मानसिक रूप से विकसित है, यानी वो मानसिक रूप से बीमार है। लेकिन अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। ये खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक अपन मौर्य ने कवर की है और वो इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।